उपादान निज शक्ति है, जिय को मूल स्वभाव है, परिमित प्रयोग ते बन्यो अनादि बनाओ। स्यादवादी जीव, ज्ञानी जीव स्यादवाद पद्धति का यथार्थ रूप से अनुसरण करते हुए, अर्थात अनेकांतमय वस्तु का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान करते हुए, वस्तु के किसी भी अंश को देखकर वैराग्य उत्पन्न करता है। ऑन द अदर हैंड, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो वस्तु के दोनों पक्ष को देखकर, जिसका जो नियत जिसकी बिगड़ी है, वो दोनों पक्षों को लेकर भी स्वैराचार खड़ा करता है। कैसे हम देखते हैं, थोड़ा सा जीव अनादि निधन है, द्रव्यार्थिक नय से, पर्यार्थिक नय से शादी शांत है, प्रत्येक समय में मरता है। ज्ञानी धर्मात्मा जीव पर्याय की नश्वरता को विचार करके पर्याय में तन्मय नहीं होता। वो जानता है जल बुद्बुदे को पकड़ने की बालक की चेष्टा हास्यास्पद है, दुख की जनक है। उसी प्रकार जाती हुई पर्याय में मोहब्बत करना, प्रेम करना, प्रीति जोड़ना, ये महादुखदाई है। मुसाफिर पे कभी कोई प्रेम करता हुआ सुना नहीं गया है, और जिसने किया है वो तबाह ही हुआ है। अनादि निधन को विचार करता है तो भी वो ये विचार करता है, मैं तो जन्मता मरता नहीं हूँ, भोजन सामग्री पर मेरा जीवन नहीं चलता है, क्यों जीवन पर्याय में लगाओ। दोनों तरफ से उसको वैराग्य ही उपजता है, राग ढीला पड़ता है पर्याय के प्रति। दूसरी तरफ हम देखें अज्ञानी को, अनादि निधन स्वयं को अमर देखना, अमर स्वभाव सुनकर, स्वभाव का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता हुआ हिंसा आदि में उद्यमी होता है। ये कहता है जीव तो मरता ही नहीं, और पर्याय से भी कभी क्षणिकता की चर्चा सुने उसको लेकर भी महाअर्थ ध्यान करता है। ओह मैं मर जाऊंगा, ओह मैं गया। फिर जब मरना ही है तो अभी क्या धर्म करेगा, कैसे क्या काम चलेगा, दोनों प्रकार से मारा जाता है अज्ञानी, और ज्ञानी दोनों प्रकार से तिरता है। ये स्यादवाद शैली को समझने की बात है। हर जगह ऐसा होता है, क्रोध उत्पन्न हुआ, किसी ने हमको गाली दी, और यहाँ पर क्रोध उत्पन्न हुआ। ज्ञानी धर्मात्मा जीव ऐसा मानता है निमित्त जबरन उपादान में कुछ करता नहीं है, निमित्त किंचित कर है, मैंने ही स्वयं को मनुष्य माना, पुरुष माना, वर्तमान पर्यगत माना, तभी मुझे गाली लगी। परमार्थ गाली तो वही है, एक किसका, निमित्त का प्रॉपर ज्ञान ज्ञानी को होता है। और उपादान का भी प्रॉपर ज्ञान कैसे होता है उसको, ये जो मैंने अभी कहा क्रोध उत्पन्न हुआ उसका मूल कारण मैं ही, लेकिन ऐसा होते हुए भी दूसरों के दुख में मैं निमित्त ना बनूं, ऐसा प्रॉपर ज्ञान है उसको। फिर वह और अज्ञानी क्या करता है, स्वयं दूसरों को गालियां देकर वहां पर तो उपादान देखता है, अरे तुम्हारा ही उपादान खोटा है, और स्वयं के दुख में निमित्त को पकड़ता है, दूसरों के दुख में उनके उपादान पर ठोक देता है। ज्ञानी धर्मात्मा जी स्वयं जब दुखी होता है अपना उपादान देखता है, अपने निमित्त से दूसरे का सुख हुआ देखकर वो कहता है भाई तुम्हारी योग्यता है, तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, हमको क्यों मुफ्त में श्रेय दे रहे, मेहनत तुम कर रहे, सब तुम कर रहे हैं, एग्जाम में तुम प्रिपेयर कर रहे हैं, जबरन हमारा हाथ तुम्हारे माथे पर क्यों रखवा रहे, हमारी काय की कृपा, हमारा शब्द रूप परिणमन हुआ, हमारा हमने काम किया, लेकिन बुद्धि में कितना उतरना, ध्यान देना एकाग्रपूर्वक, ये तुमने अपने उपादान से किया। ज्ञानी दोनों जगह वैराग्य को पुष्ट करता है, अज्ञानी दोनों जगह राग को पुष्ट करता है।
ये स्यादवाद की शैली है, मैंने कल आपको बताया था निमित्त प्रधान शैली का प्रयोग कब, उपादान प्रधान शैली का प्रयोग कब। तो ऐसा भी कथन जनवाणी में आता है कि बहुत प्रयास किया, ज्ञानी धर्मात्मा बहुत निरंतर छटपटा रहे हैं, अंतर सुक्रस घटा घटी, नरक में से अभी निरंतर तड़प रहे हैं, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुक्रस घटा घटी, तड़प रहे हैं, लेकिन क्या करे, अभी मरीज छुटको, अभी वो सागरों पर्यंत वहां पर रहना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं। अब वो कहाँ से चार, हमने कहाँ से चर्चा डाल दिया, अभी बची हुई वो अभी जब तक आयु है तब तक कुछ कर सकता नहीं। मतलब ये कथन कहाँ से आया, निमित्त की तरफ से कथन आया। तो ये जीव भी ऐसे ही कहता है, अभी अभी इस भूमि में तो कुछ ही नहीं कर सकते, अभी तो शादी करी है, फिर अगले भूमि में देख ही लेंगे कुछ ना कुछ, अभी तो ऐसा नहीं। वो जितने उसके बस के वो पूरा कर रहा है तब जाकर निमित्त पर आरोप आ सकता है। आप समझ रहे हैं, मतलब आप निमित्त की तरफ से बोलो, उपादान की तरफ से बोलो, उसका निष्कर्ष यह होना चाहिए कि हमारा वैराग्य बढ़ना चाहिए। यदि हमारा वैराग्य नहीं बढ़ता है तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। समझ में आता है, कभी राग द्वेष के अभाव में इतने कर्ता का भूत जागृत हो जाए, मुझे राग अधिक अभाव करना, राग वो सहजता ही खत्म हो जाए। तो उसको ये बताते हैं, बाबा सुन, जितनी बारूद पूर्व में तुमने भरी है उतनी फल दिए बिना रहेगी नहीं, शीघ्रता मत कर। कहना समझाना पड़ता है समन भद्र को, अभी उम्र है तुम्हारी, अभी दीक्षा छेद करो, पहले रोग का शमन करो, नहीं पुरुषार्थ से नहीं, अभी ठीक नहीं है स्थिति, शरीर की स्थिति अनुकूलता नहीं है, तुम दीक्षा छेद करो, बाद में देख लेंगे, बताना पड़ता है। जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई वैसी दवा देनी पड़ती है। समझ में आता है, और अज्ञानी को दूसरी तरफ कहेंगे, फालतू बातें मत कर पंचम काल और संगनन की, अपने बीच में कुंद कुंद स्वामी हुए, उन्होंने किया, तू क्यों नहीं कर सकता, उपादान की खोट है, निमित्त पर दोषारोपण क्यों करता है। समझ में आता है, वो अपेक्षा किसी भी प्रकार की चलेगी, भटकने वाला उपादान का कथन कहकर भी भटक सकता है। अनादि निधन, अनादि निधन कहो तब भी कैसे भटक रहा है, कोई जन्मता नहीं कोई मरता नहीं, उसको कोई पाप बोध नहीं हो रहा है, अपने निमित्त से कितने जीवों का घात हो रहा है ये नहीं समझ रहा है। समझ में आता है, दोनों बातों को विचार करना चाहिए। भगवान आत्मा कहकर, पुण्य पाप एक है कहकर, वो बराबर उसका जीवन पाप में भी सरक सकता है, और पुण्य पाप दोनों अलग अलग कहकर पूरा पुण्य में भी आहूत कर सकता है जीवन, दोनों प्रकार से भटक सकता है वो। और ज्ञानी धर्मात्मा को कैसे भी उपदेश मिले वो दोनों प्रकार से तिरेगा। अब पुण्य पाप बराबर कहोगे तो भी शुद्ध उपयोग में आएगा, पुण्य पाप असमान कहोगे तो भी पाप की अपेक्षा पुण्य भला मानकर पुण्य में प्रवृत्ति करेगा। पकड़ रहे आप सब, आज मुझे थोड़ा प्रकरण ये लेना है, जिनागम में निमित्त का क्या उचित, यदि निमित्त को हटा देवे तो क्या आपत्ति तकलीफ आ सकती है, इसकी आज चर्चा करनी है। फटाफट आप नोट करेंगे, बहुत सारा मैटर है, यदि निमित्त नहीं हो तो क्या हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जितने भी जितना द्वादशांग लिखा गया है उसमें कई अंग, अब पॉइंट वाइज लिखेंगे तो इट विल बी वेल एंड गुड। मंत्र तंत्र की पद्धतियां बताई है, दो तीन अंगों में अभी देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है उपासक अध्ययन अंग आगे अभी देखना पड़ेगा, इसमें पूरे मंत्र तंत्र की चर्चा की है, ऐसी विद्याओं की जलगता विद्या, प्रकीर्णकों में भी पूरी इसकी चर्चा है, जल पर चलने की विद्या कैसे डेवलप होगी, कितना कैसा मंत्र, क्या मंत्र की सिद्धि कैसे होगी, बहुरूपिणिया विद्याएं कैसे सिद्ध होगी, 14,000 विद्याएं कैसे प्रकट होती है, कौन सी विद्याएं कैसे प्रकट होती है, सबके मंत्र है अपने जिनागम में। समझ में आता है, तो ये क्या दिखाता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा, निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है लोक में, कंकरी के निमित्त से सागर की धारा अवरुद्ध की जा सकती है। क्या लिया, कंकरी फेंकी, कंकरी कंकर किसी ने फेंक कर पूरे नदी का प्रवाह रोक सकता है। अपने कल पढ़ा था ये चकवा चकवी का, और उदाहरण दिया टोडरमल जी ने, मोहन धूल फेंकी किसी के सिर पर, एकदम वो बावले जैसा परिणमन करने लगता है। ऐसा नहीं है कि मोहन धूल ने कुछ किया है, लेकिन वो निमित्त निमित्तिक संबंध इतना घना है, मंत्र की अचिंत्य महिमा है, टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, और मंत्र आदि के निमित्त से खूब कार्य होते देखे जाते हैं।
अपन थोड़ा सा विचार करें, समन भद्र स्वामी ने स्वयं अपने स्वयंभू स्तोत्र में लिखा स्वमंत्र व्याहूत, ऐसे शब्द का प्रयोग किया, स्वमंत्र व्याहूत, मैंने मेरे मंत्र के दम से ये चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा भूमि में से निकाली। जानते ना आप क्या हुआ था, शिवपिंडी फटकर, सभी बैचेस वालों को मैंने बता दिया है, अभी तुम लोगों का मुझे भाव आएगा तो बताऊंगा। अब तो मीमांसा के पहले समन भद्र का 3 घंटे में हर जगह इंट्रोडक्शन लेता हूं, पहले तो उसमें बताता हूं, मैंने अपने मंत्र की दम से देखो कैसे बाहर निकाला शिवपिंडी को तोड़कर, और लाखों की सभा में शिव कोटी राजा के बीच में हुआ है ये। सभी जैनेतर फांसी पर लटकाने वाले थे समन भद्र को, मंत्र की ताकत यहां तक लिख दिया समन भद्र स्वामी ने रत्नकरण सावकाचार में कि नांगहीनम मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदनाम। कह रहे 8 अंगों के पालन करने में, मैंने आपको बताया होगा 8 अंगों का लिया है तो 100% 8 अंगों के पालन में यदि एकादांग भी तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा तो देख लेना तुम जन्म संतति का हनन नहीं कर पाओगे। किस प्रकार, यदि मंत्रोक्षर न्यूनो, यदि एक भी अक्षर कम रहा मंत्र में, नहीं विहंति विश्ववेदनाम, विश्ववेदना का हनन करने में समर्थ नहीं है। मैं इतना क्यों बता रहा हूं, निमित्त नैमित्तिक संबंध आचार्य ने माना है, ये पहले स्वीकार करें आप सब, इसके पूरे आधार आज चलने वाले हैं, ठीक है। अपन अमृत चंद्र स्वामी को थोड़ा सा देखते हैं अभी, समय सार क्या चाहिए आपको, कौन सा छंद है, 19वां होगा, 21वां लिखो, 21वां। अमृत चंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका लिखते समय 3 उदाहरण दिए, क्या उदाहरण दिए, एक जगह तो गारुड़ी मंत्र का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार जिस पर जहर चढ़ा है वो सामने बैठा है, उसको फटाफट लेके आए, अरे साहब कुछ करो करो, इसका क्या हो गया, जहर चढ़ गए साहब, रख दो उसको वहीं पर। यहां पर ये आंखें बंद करता है, मंत्र पढ़ना चालू करता है, गारुड़ी मंत्र कहते, जो जो मंत्र पढ़ना चालू करता है त्यों त्यों उसका जहर उतरता जाता है। मैंने कभी बताया था आपको ये, कभी बताया था कि विस्तार में नहीं बताया, मैंने आपको बताया था अखबार में एक निरंतर शिवपुरी का एक आदमी निरंतर फोटो आती रही कई दिन तक, सुमत जी ने मुझे दिखाई, वो कह रहे देखो ये सब पूरा उसकी डिटेल्स देती, उसने उसका ये कहना है सांप पकड़ता हुआ फोटो था, आप जिसको जहर चढ़ा हो 1000 किलोमीटर पर हो मुझे कॉल करे, मोबाइल नंबर दिया, कॉल करेगा मैं यहां से मंत्र बोलूंगा जहर उतरेगा। ये क्या बताना है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, घना निमित्त नैमित्तिक संबंध, घना घना टोडरमल जी के शब्दों में। अमृत चंद्र स्वामी ने गारुड़ी मंत्र का उदाहरण दिया, कहते जीव यहां पर परिणाम करता है वहां पर कर्म का क्षय होता देखा जाता है, यह बात सत्य है। बोलो, जीव ने कर्म में कुछ नहीं किया लेकिन काल प्रत्यय सत्य, जिस समय में जीव ने स्वरूप का आश्रय किया उसी समय में कर्म का अभाव हुआ। और हर पंक्ति में आपको लगाना पड़ेगा, अरहंत की परिभाषा में ऐसा मिलेगा, स्वभाव की पूर्णता, स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति की और घाती कर्मों का नाश किया है वहां पर समझना है। एक उपादान परक पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध निमित्त प्रधान कथन आया है। और 3 उदाहरण दिए आचार्य ने 196 की टीका में। ए आप उठाओ समय सार, उठाओ चलो ले लो समय सार भी, आपको पढ़ के ही दिखाए, आपको मजा कहाँ आना, 196 की टीका पढ़ेंगे, 3 उदाहरण दिए, आप मेरी तरफ पहले देखेंगे। कहते जिस प्रकार बंधन टूटते देखे जाते हैं, क्या उदाहरण दिया एक, जैसे मानतुंगाचार्य, जैसे चंदन बाला, एक उदाहरण हुआ। सेकंड, स्त्रियां विडंबना को प्राप्त होती है, विडंबना को मतलब एकदम पगला जाती है स्त्रियां, किसकी तरफ संकेत होगा, वशीकरण मंत्र, वाजीकरण मंत्र, बहुत सारे मंत्र जिनागम में कहे, किसी पर जादू करे मंत्र करे बस वह असर हो जाए। निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, लेकिन ऐसा होने पर भी बोलिए, यह तो बात आपको समझना है, परमार्थ निमित्त उसका अंतरंग में बोलिए, पाप कर्म का उदय चाहिए, मंत्र वैसे कुछ नहीं करता। 96 की टीका खोलिए, मिल रही सबको, मुझे भी तो देखना है इसमें ही है क्या वो, में होगा छियानवे
मैं गलती से बोल गए थे वो तो क्या है तीन बातें तो है वो क्यों नहीं पकड़ में आ रहे पंचन में भी मैं नहीं दिख रही है संतन में भी नहीं दिख रही है क्या कहा होगी फिर कहा पर गाथा क्या है गाथा क्या है अरे छानबे है क्या हाँ। देखिए क्या है क्या पढ़ रहे हो आप बोलिए वो बता रहे उसे छानबे गाथा मिल गई अरे तो मुझे भी दिखने में छानबे अब तो गाथा नहीं हुआ है क्या है ये चलिए सुनिए देखिए ये देखिए मैं यहाँ से पढ़ता हूँ जैसे भूताविष्ट छानबे भी भैया जैसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञान के कारण भूत को और अपने को एक करता हुआ अमानुषोचित विशिष्ट चेष्टाओं के आलम्बन सहित भयंकर आरंभ से युक्त अमानुषिक व्यवहार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता भाषित होता है इसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण भी भाव्य भावुक रूप पर को अपने को करता हुआ ये नहीं है ये तीन उदाहरण कहाँ पर देखे हमने स्त्री विडंबना को प्राप्त होती है चौरानवे में होगा क्या मुश्किल है तीन उदाहरण कहाँ पर आए फिर अब देख लेना आज ये तो कर्ता कर्माधिकार की है टीका में है कर्ता कर्माधिकार की टीका में है चलो ठीक है मैंने तो आपको ओरली तो बोल ही दिया क्या बोल दिया तीन उदाहरण बंधन टूटते देखे जाते हैं स्त्री विडंबना को प्राप्त होती और जहर चढ़ता हुआ देखा जाता है 91 है तीनों उदाहरण है बस अभी आएगा मजा ऐसे बच्चे चाहिए हमको हाँ राइट देखिए मैंने एक उदाहरण गलत दिया विष चढ़ जाता है बोला उतर जाता है चाहिए देखिए जैसे साधक मिल रहा है पहले से पढ़े आत्मा स्वयं ही उस प्रकार परिणमित होने से जिस भाव को वास्तव में करता है उसका वह साधक की मंत्र साधने वाले की भांति करता है वह आत्मा का भाव निमित्त भूत होने पर पुद्गल द्रव्य कर्म रूप स्वयं में परिणमित होता है इसी बात को स्पष्टतया समझाते जैसे साधक उस प्रकार के ध्यान भाव से स्वयं ही परिणमित हुआ गरुड़ी मंत्र ध्यान कुछ भी होता हुआ ध्यान का कर्ता होता है और वह ध्यान भाव समस्त साध्य भावों को साधक के साधने योग्य भावों को अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर साधक के कर्ता हुए बिना सर्पाधिक का व्याप्त विष स्वयं में उतर जाता है स्त्रियां स्वयं में विडंबना को प्राप्त होती और बंधन स्वयं में टूट जाते हैं ये मिल रहा है सबको मुझे क्या कहना है वैसे कोई बताएगा निमित्त को स्वीकार किया है इन्होंने किया है स्वीकार इसमें कोई आपत्ति नहीं ठीक है यहां तक कि टोडरमल जी ने तक टोडरमल जी को एक प्रश्न पूछा टोडरमल जी को किसी ने कि क्यों साहब हम जो इतना धर्म ध्यान भक्ति पूजा कर रहे हैं उसका आप कह रहे मोक्ष होगा लेकिन कोई अनुकूलता मिलेगी क्या तो वहां पर उन्होंने कहा जरूर ये भी मिलेगा ऐसा कहा कि भगवान के भक्त आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे देवादि आकर ये किसको स्वीकार किया इन्होंने निमित्तों को स्वीकार किया है इन्होंने और जगह जगह लिखा है ना भैया वो सीता को अग्नि परीक्षा हुई देव आए और उन्होंने अग्नि बुझाई ये निमित्तों को स्वीकार करने की बात है अपनी चर्चा चल रही है ये मंत्रों की चर्चा वशीकरण वाजीकरण आदि समस्त मंत्रों की चर्चा अपने जिनागम में आई है कितने बिंदु हुए चार बिंदु हुए बहुत सारे बिंदु हुए अलग अलग बनाए कैसे बात ने कौन कौन से राइट रत्नकरण साहब का चर्क एक ले सकते हैं
वैसे ये सब एक के अंतर्गत डाल दो, क्योंकि मंत्र तंत्र संबंधी है ये सब। मुझे तो ये दिखाना है, ये टोडरमल जी ने भी, अमृत चंद्र स्वामी ने भी, और सब ने अपने अपने इसमें डाल दिया। यहां तक कि समंत भद्र ने अपना परिचय देते समय एक जगह लिखा है, मैं मांत्रिक हूं, मैं तांत्रिक हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं, मैं वादिराट हूं, अधिक सिद्ध सारस्वत हूं, अधिक क्या कहे, इस भूतल इस वलय पर एक मैं ही मैं हूं। ऐसा मंत्रज्ञ तंत्रज्ञ ज्योतिषज्ञ सब जानता हूं बोल। आगे आगे बढ़ते हैं। अभी मंत्र तंत्र हुआ, फिर निमित्त ज्ञान। जिनागम में खूब निमित्त ज्ञान की चर्चा आई है। विशिष्ट निमित्तों को देखकर, शरीर के चिन्हों को देखकर, अंगों को देखकर, वो पर्टिकुलर अवयव को देखकर, अंगों पांग को देखकर, छोटा बड़ा आकृति को देखकर बराबर जान लेते इसका क्या होगा। ये निमित्त ज्ञान कहते इसको। और अवधि ज्ञान भी जो होता है, वो नाभि में कुछ पर्टिकुलर चिन्ह होते हैं, उसकी तरफ ध्यान लगाने से उनको अवधि ज्ञान विशिष्ट वस्तु का होता है, ऐसा भी जिनागम में उल्लेख है। तो ये निमित्त ज्ञान संबंधी लेंगे आप। फिर आगे थर्ड पॉइंट में ये लिखेंगे, सी पॉइंट में, कि ज्योतिष संबंधी ज्ञान। और ज्योतिष संबंधी इतना ज्ञान होता है, बराबर उल्कापात हुआ, कुछ हुआ, बराबर जान लेते हैं कहां पर उपसर्ग चल रहा है। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर उपसर्ग चल रहा है, किसी ने आकर बताया नहीं था उनको, स्वयं रात में उन्होंने जाना और उफ उन्होंने किया। पकड़ रहे आप बात को, याद करो और घटनाएं। मुनिराज, यस मुनिराज गुजर रहे हैं, उन्होंने देखा ये 12 एक के ऊपर, बोलो जल्दी, कंचे रच कर रखे हैं, ये होगा अंतिम श्रुत के बोले भद्रबाहु। निमित्त ज्ञान, एक बच्चा रोता देखा, अकाल पड़ने वाला है 12 साल, चलो दक्षिण की तरफ, निमित्त ज्ञान। पकड़ रहे, और बोलो, नहीं 12 वो तो दिव्य ध्वनि में आया भैया, अपन तो निमित्त की चर्चा कर रहे हैं। सुनो सुनो, और कुछ कहने वाला था, अब रह गई बात। सुनो, निमित्त का इतना जोरदार प्रभाव है, अपन कहते उग्र पुरुषार्थ हो, उग्र पुरुषार्थ हो, लेकिन जब अलग पॉइंट बनाएंगे इसका, जब भी दीक्षा लेनी हो, कौन सा पॉइंट आएगा ये, डी, जब भी दीक्षा लेनी हो, शरीर की भी संरचना देखी जाती है। यहां तक कि मैंने आपको मुनि स्वरूप पढ़ा है, उसमें स्पष्ट बताया, त्रिस्थानगत शुद्धि की चर्चा आई थी, जिसमें बताया था यदि लिंग दीर्घ हो, यदि निरंतर उत्तेजना होती हो, यदि चर्म पूरा न हो, तो उसको दीक्षा के लिए अवैध बताया। ये निमित्त कथन, हाँ ये नहीं समझना निमित्त अड़ा आ गया है, उपादान तो पूरा है, नहीं, उपादान अपनी तरफ से कमजोरी है, वहां पर धर्मास्तिका अभावत्वत, वो एक दूसरों के अधीन नहीं समझना, लेकिन निमित्त की तरफ से खूब कथन जिनवाणी में आया है, ठीक है। निमित्त की तरफ से नहीं आता तो बोलो क्या स्त्री और क्या पुरुष, फिर सभी मोक्ष होते ना, फिर श्वेतंबरों का क्यों खंडन करना पड़ता, फिर महिलाओं की मुक्ति नहीं होती। और सुनो, शूद्र मुक्ति, ये अलग अलग पॉइंट में सब जाएगा, शूद्र मुक्ति भी निषेध किया हमने, श्वेतंबर ने समर्थन किया, निमित्त क्या, उच्च कुल निमित्त चाहिए उसमें, सब निमित्त, वज्रषभ नारद संगन ये निमित्त चाहिए, नहीं होगा काम नहीं होगा, निमित्त की चर्चा पूरी हमने की है। ये पकड़ में आता है सब। सातवें नरक में महिला क्यों नहीं जाती, वज्रषभ नारद संगन वाला ही जाता है, निमित्त, निमित्त की तरफ से खूब कथन जनवाणी में आया, लेकिन निमित्त के कारण वहां पर गए ऐसा नहीं समझना। वर्तमान में हम सिद्धावस्था अरहंत अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते, बोलो छठवें नरक के नीचे 16वें स्वर के ऊपर नहीं जा सकते, संगनन वगैरह वैसा नहीं है, क्षायिक सम्यक दृष्टि वज्रषभ नारद संगनन वाला ही होता है, आदि आदि ये सब, किनको कैसा संगनन, कैसे संगनन के अनुसार गमनागमन सब पूरा दिखाया, ये सब समझ लेना, निमित्त निमित्त शैली का है पूरा प्रकरण। 8 साल के ऊपर ही सम्यक तो होता है, ये निमित्ताधीन कथन हो गया। ये पकड़ रहे सब, तुम कुछ भी नोट नहीं कर रहे, क्या बात है, क्या कर रहे हो। आगे निमित्त का ज्ञान, आगे और बढ़ो थोड़ा सा। कामदेव होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये कामदेव होने के बाद कामदेव मुनि दीक्षा लेने के बाद जीवन भर कभी भी नगर में आहार करने के लिए नहीं आते, वे जंगल में ही रहते हैं, आहार मिला तो ठीक, क्यों, वे जानते हैं हमारे निमित्त से किसी को विकार हो सकता है, कितना ध्यान रखते हैं निमित्त का,
और जब ध्यानस्थ भी बैठते उल्टी मुद्रा में ताकि किसी को विकार उत्पन्न न हो, ये निमित्त का ज्ञान उनको बराबर है। निमित्त का ज्ञान न होता तो पीछे फेरे बिना सीधा ही बैठ जाते, जानते पीछे के निमित्त से जी वो परिमार्जन हो जाएगा। आगे बढ़ना है, निमित्त का ज्ञान नहीं होता, आगे का पॉइंट कितने चल रहे, एच आई जे कहां तक आए, जे हो गए, जेड तक चलेगा मतलब। वो जानते हैं मम परम विशुद्धि तीसरे कलश में बोल दिया, क्या लिख दिया, मैं ग्रंथ की रचना कर रहा हूं और ग्रंथ की रचना करने से मुझे परम विशुद्धि होगी। ये निमित्त का ज्ञान उनको है कि व्यापार धंधे की भी कथाएं चर्चा करते हुए नहीं होगी, ये भगवान की चर्चा करते के वही निमित्त पड़ेगा, देव शास्त्र गुरु की चर्चा वही निमित्त है। आगे, अपना भाई भर्तृ हरि भटक सॉरी अपना भाई भर्तृ हरि भटक गया, आचार्य शुभचंद्र ने उसके निमित्त से बोलिए बोलिए बोलो ना ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ लिखा। उस दिन प्रश्न पूछा था वहां पर, ज्ञानार्ण ग्रंथ लिखा क्यों, भाई भटक गए ठीक होगा निमित्त। और जितने भी ग्रंथ आप देखेंगे किसी ने किसी के निमित्त से लिखे, काफी गोमट सर गोमट के निमित्त से लिखे, और बोलो एकाद तत्व और सूत्र सिद्धे नामक ब्राह्मण के निमित्त से, परमात्मा प्रकाश प्रभाकर भट्ट के निमित्त से, आदि आदि लगा लेना निमित्त। सामुद्रिक जितने भी शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र जानते हो लक्षण शास्त्र होता है पूरा, क्या देख कर क्या होगा, शुभ शुभ शगुन अपशगुन का पूरा डिटेल्स उसमें होता है, अपने यहां पर भी पूरा उल्लेख दिया गया है। सामुद्रिक शास्त्र ये जनरल शास्त्र होते हैं, वैसे जैन इतर भी सामुद्रिक शास्त्रों को मानते हैं। आगे, अंतराय का विधि विधान, डेड बॉडी देखे अंतराय निकल गए, ऐसा देखा तो निकल जाना, पर्टिकुलर चिन्ह बताए ना, अमुक चीज होगा तो नहीं करना, ये उल्कापात हो इंद्रधनुष हो सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण हो अष्टानिक हो बोलो संधि काल हो बोलो, सिद्धांत ग्रंथों का वाचन नहीं करना, निमित्त निमित्तिक संबंध काल की अपेक्षा भी करना, द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा तो ले ही रहे, क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्र में जाओ तो भाववाच्य होते, निमित्त निमित्त प्रधान कथन, क्षेत्र मंगल कहा सिद्ध क्षेत्रों को, क्या कहा क्षेत्र मंगल, अष्टानिक दस लक्षण चौदस अष्टमी को काल मंगल बोला, काल का निमित्त हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, सुबह सुबह फ्रेश मूड में खूब पढ़ाई होती है, फिर जैसे जैसे शाम होती है उतना फ्रेशनेस नहीं रहती, होता है ऐसा, वो काल का निमित्त ऐसा होता है बराबर। कोई मर गया बहुत वैराग्य होता है, बहुत टाइम बीत जाए फिर वैराग्य खत्म होता है, काल का निमित्त असर है निमित्त। आप उपदेश सुनते हो बहुत अच्छा लगता है, उपदेश सुनने के बाहर निकलते हो एकदम फीका पड़ जाता है, बोलो सुनते समय बहुत अच्छा लगता है, बहुत जन कहते हैं ना सुनते समय बहुत अच्छा लगता है, सुनने के बाद फिर परिणाम गड़बड़ाने लगते, तो मैं उनको कहता हूं फिर ज्यादा अध्ययन किया करो, जितनी देर जिनवानी में अच्छा लगता है ना फिर जिनवानी ज्यादा देर सुनो, यदि स्वतंत्र परिणाम होते तो भगवान की प्रतिमा के पास क्यों आना पड़ता। तम चई आई वंदई एक बार लिया था ना आपको, नहीं आठवीं वालों को लिया क्या, तम चई आई वंदई नहीं जानते आप, ये टोडरमल जी ने श्वेतंबर का खंडन करते समय कहा, मुनिराज अकृत्रिम जिन बिंब में जाकर भक्ति करते हैं वहां पर, कहां पर सुमेरु पर्वत आदि नंदीश्वर द्वीप आदि वहां पर जाकर क्या नड़ा है उनका, आठवें द्वीप वो देव आठवें द्वीप में जाकर करते हैं, मुनिराज सुमेरु ढाई पर ढाई लोक में ढाई द्वीप में जितने भी अकृत्रिम जिन बिंब है मेरु है पंचमेरु वहां पर जा जाकर भक्ति करते हैं, क्यों क्या नड़ा है भाई उनका, यहां पर क्यों नहीं कर सकते, निमित्तों का अतिशय की बात चल रही है, ठीक है। अतिशय क्षेत्र कहते हैं ना, कितने पॉइंट्स हो रहे भाई, आर जेड तक तो जाएगा, प्रायश्चित शास्त्र, ऐसा हुआ तो ऐसा प्रायश्चित, वैसा हुआ तो वैसा प्रायश्चित, समझ में आ रहा है, ये गलती हुई तो उसके अगेंस्ट इतना करना, जैसे संविधान रचा गया है भारत का, ये खून हुआ तो उसके आगे इतनी धारा इतनी सजा, बराबर अपने यहां प्रायश्चित का भी विधि विधान है, ये निमित्त को देखकर। शुभ शगुन अपशगुन तो बोल दिया, दाई तरफ कोई निकल रहा हो शुभ शगुन माना गया, बाई तरफ कोई पशु निकल रहा हो हिरण आदि अपशगुन माना गया, रावण युद्ध के लिए निकला वो अपशगुन बताए, वो कौवा चिल्लाने लग गया अपशगुन का निशानी है ये,
दीपक बुझना अपशगुन की निशानी है। शगुन अपशगुन होता है ना, ये सब बात समझना सब। और किसी के ज्ञान में आ रही तो बताओ भाई, काच फुटना दे, और बोलो बिल्ली रास्ता काटना, और बोलो। अब जानते हैं ये कुम्हार घट बनाते समय दिखना, ये शुभ शगुन माना गया है। क्यों शुभ शगुन? क्योंकि कुछ तैयार होगा, पैदा होगा, कुछ अच्छा विकास होगा, ये अच्छाई की निशानी है। निमित्त, निमित्त की बात है ये, ठीक है। आंख फटफड़ना दाई, आंख फटफड़ना भाई, है ना, पुरुषों की दाई फटफड़े तो क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। और महिलाओं की बाई, नहीं नहीं, पुरुषों की लेफ्ट फटफड़े तो खराब होगा, खराब होगा। लाइट राइट, और उनकी राइट फटफड़े महिलाओं की, वो खराब होगा, कुछ अपशगुन होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने भी 16 स्वप्न सबने देखे, चंद्रगुप्त ने आदि आदि ने सब लगा लेना, भरत ने सब जाना, पंचम काल में क्या होगा निमित्त ज्ञान से जाना। भद्रबाहु संहिता वगैरह ऐसे समाधि के ग्रंथ है, बराबर पर्टिकुलर विद्या से जानते, 3 दिन का रहा, 2 दिन का रहा, उस निमित्त ज्ञान के बल से दीक्षा देना लेना चलता रहता है। ऐसा लिखा, ए आपने कभी सुना होगा संजय भैया के मुख से कि मैंने पढ़ा कहीं, देखो ऐसा लिखा है एक ग्रंथ में, सब पूरा डिटेल्स है। हाँ, मेरे पास है एक पुस्तक जिसको पढ़ना हो, यदि 1 महीने का मरण रहा हो तो ये लक्षण दिखेंगे, यदि कान का हिलना, चिंटियां लगने लग जाए पैर को, यदि समाधि मरण के प्रकरण, मेरे पास एक पुस्तक भी रखे, उसमें डेफिनेट नॉलेज है कितना, फिर अंजुल नहीं जुड़ना। जानते एक महाराज थे, अब फिर उनको आहार के लिए बुलाया, बीमार थे वैसे बहुत, उनकी अंजुली नहीं जुड़ रही है, अंजुली नहीं जुड़ रही है, बोल दिया ये बचेंगे नहीं, अभी दूसरे दिन वे चले गए। समझ में आता है, ये कुछ लक्षण होते हैं इसे, जिसमें नक्की होता है ये 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, ये लक्षण शास्त्र, और उसी के बल पर समाधि आदि दी जाती है। भक्त प्रत्याख्यान आदि कराते हैं ना 12 साल का आदि आदि, वो सब ये निमित्त का ज्ञान हुए बिना आगे नहीं बढ़ सकते कोई भी। हाँ, सुखमाल आदि का तो 3 दिन पहले पता चला था, आदि बहुत जन होते ऐसे तो। हाँ, समाधि देना आदि, मरण का यहां तक लिखा है, मरण उसमें शास्त्रों में, जब 2-2 आदमी दिखने लग जाए वो मरण पास आया समझना, 2-2 दिखने लगते हैं। मैंने आपको पहले भी कभी कहा होगा, दीक्षा देना हो उसमें भी निमित्त सब, समाधि दीक्षा तो हो गया, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी अतिचार भी जो बताए गए हैं, जैसे ब्रह्मचर्य पालना है, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना, हमको क्या लगता है क्या क्या संबंध है, हम कुछ भी खाए, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये निमित्त निमित्तिक संबंध समझना। जैसा देखोगे चित्रान नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य खंडित होगा, महिला का चित्र नहीं होनी चाहिए, गाय खड़ी नहीं रहनी चाहिए, हमने लिया मुनि के स्वरूप में पूरा, ये निमित्त का ज्ञान है। मतलब होश आवास में भले ही निमित्त से काम नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको अवॉइड करना। कहां पर आया, पिछले साल पढ़ा, सूक्ष्मा पिन खलु हिंसा पर वस्तु निबंधनाम भवति पुंसा। फिर से, सूक्ष्मा पिन खलु हिंसा पर वस्तु निबंधनाम भवति पुंसा। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का छंद है 49। हिंसायतन निवृत्तेर परिणाम विशुद्धे। बोलिए आगे, किसी को याद नहीं। परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या। ठीक है, अरे इतना लिखा है आप कल्पना नहीं करेंगे। और ऐसा हुआ तो वक्ता यदि हो, मुनि में वक्ता, तो गर्म पानी का विशेष सेवन करे, ऐसा हो तो ऐसा करे। और आयुर्वेद शास्त्र क्या है, पूरा आयुर्वेद शास्त्र क्या है, ये योग का शास्त्र क्या है, ऐसा होने पर यह करना, वैसा होने पर यह लेना, वैसा होने पर वो करना, यह पूरा निमित्त का कथन आता है। दवा आदि का क्या है, यह पूरा होता है ऐसा। हाँ, लक्षण आदि देखकर, हाँ, जिन प्रतिमा सम्यक्तो में निमित्त है,
बोला जाता है काम अपने यहाँ होना है वहां पर निमित्त पने का आरोप, हाँ वो निमित्त वो तो है ही सब। अभी देखिए ये प्रकरण हमारा पूरा हुआ, अभी हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। निमित्त का प्रकरण को हम अब फुल स्टॉप देंगे, उपादान की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी हमने दो तीन पीरियड्स उपादान के भेद प्रभेद और उपादान का महात्म्य क्यों, उसकी भाषा क्यों लोक में प्रचलित और कहाँ कहाँ जिनवाणी में आया ये अभी तक हमने देखा। अब समापन में मैं आपको फिर वे दो छंद याद करवाऊंगा जो आपके पास लिखे होंगे, कल मैंने यहाँ पर लिखवाए थे। कितने जन ने लिखे थे वे, कितने जन के पास से वे? अच्छा तुम्हें रखे रहने दो फिर, हो अच्छे से रखे दबा के रख कर देना, कोई चोरी ना कर जाए फिर गार्ड वार्ड को यहाँ कर। तो जिनका यह कहना है कि कार्य उपादान से ही होता है, उनके लिए छंद जो मैं अभी दो यहाँ से बताऊंगा वे बहुत शानदार है। तो देखिए इससे ये बात फलित होगी कि कार्य के होने में दो कारण होते ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए छंद मैं बोलता हूँ यहाँ से, ये दोनों छंद स्वयंभू स्तोत्र के हैं। स्वयंभू स्तोत्र में से वासुपूज्य भगवान की स्तुति का पांचवा छंद पहले मैं यहां से बोलूंगा। वासुपूज्य भगवान की पांचवी का पांचवा छंद स्तुति अलग, 2400 तीर्थंकरों की स्तुतियां है उसमें, उसमें वासुपूज्य की स्तुति में प्रकरण आएगा। तो पांचवें छंद मैं यहां से पढ़ता हूं। बाह्य तरो नहीं नहीं आत्म स्वभाव की धुन है इसमें। बाह्य तरोपाधि समग्रतेयम् कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः। मुझे अर्थ आपसे किसी से चाहिए प्रयास करना। बाह्य तरोपाधि समग्रतेयम् कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः। पहली लाइन में नैवान्यथा मोक्ष विधिश्च पुंसा, नैवान्यथा मोक्ष विधिश्च पुंसा तेनाभिवंद्यस् त्वं ऋषिर् बुधानाम। छंद एक बार फिर से पढ़ूंगा फिर मैं अर्थ पूछूंगा आप सबको। बाह्ये तरोपाधि समग्रतेयम् कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः नैवान्यथा मोक्ष विधिश्च पुंसाम् तेनाभिवंद्यस् त्वं ऋषिर् बुधानाम्। बताओ क्या अर्थ बनेगा इसका, कोई बताने का प्रयास करेगा? अकेला मनन, कोई है और? मनन तुम बताओगे तुम्हारे 5 मार्क तुम्हें तुरंत बढ़ा दूंगा, अभी भले ही तुमने पेपर नहीं दिया है। बोलो पहली लाइन का तो ऐसा लगता है कि बाह्य उपाधि सब अलग है, कार्य तो द्रव्य के स्वभाव से ही होता है। बैठिए देखो, बाह्य तरोपाधि समग्रतेयम् बाह्य तर, संधि विच्छेद करके मैं पढ़ूंगा, संधि विच्छेद समझ लो आप सब। बाह्य तर उपाधि समग्रतेयम् बाह्य और अंतरंग, बाह्य और अंतरंग किसका अर्थ किया? बाह्येतर, बाह्य और इतर, ऐसे समास करना इसका। बाह्येतर का ये भी अर्थ हो सकता है क्या? अंतरंग, लेकिन यहां पर बाह्य और इतर मतलब अंतरंग। बाह्येतर उपाधि समग्रतेयम् अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की उपाधियों को लेकर समग्र रूप से कार्य श्रुते द्रव्यगत स्वभाव, कार्य के होने में दोनों का समग्रता से हयाती चाहिए, ये द्रव्यगत स्वभाव, ये द्रव्यगत स्वभाव है। पकड़ रहे? अंतरंग बहिरंग दोनों कारण की सन्निधि में कार्य होगा।
नैवान्यथा, नीचे का अर्थ कौन बताएगा? नैवान्यथा मोक्ष विदिश्च पुंसाम, नैवान्यथा, नैव अन्यथा, इसके अलावा कार्य की सिद्धि नहीं होती। मोक्ष विदिश्च, मोक्ष में भी ऐसा ही समझना, लोक में घटपट आदि कार्य में तो ऐसा होता ही है, ऊपर का अर्थ, ऊपर की लाइन का। लेकिन मोक्ष विदिश्च कहकर मोक्ष रूपी कार्य की सफलता भी, उसकी प्राप्ति भी अंतरंग बहिरंग दोनों कारणों की सन्निधि में होती है। नैवान्यथा मोक्ष विदिश्च पुंसाम, इसलिए पुंसाम वे पुरुष जीवों को, कौन पुरुष? जिनको मोक्ष चाहिए, तेनाभिवंद्यस, इसीलिए, तेन इसीलिए, अभिवंद्य हे भगवान, आप अभिवंद्य हो। इसलिए भगवान को क्यों अभिवंद्य कर रहे? ऐसा कथन उन्होंने बताया, इसलिए वे अभिवंद्य है। तेनाभिवंद्यस तुम ऋषिर बुधानाम, ऋषि और बुध ज्ञानियों के माध्यम से आप वंदनीय हो। पकड़ रहे सब बात को? मेरे पास स्वयंभू स्तोत्र रखा है, जिसको चाहिए वो पूरा मिलेगा, ये पूरा अर्थ है इसमें, उसका पेज नंबर है 90 मेरे पास जो है, तो जिनको चाहिए वो ले सकेंगे। पेज नंबर इसलिए बताया, छंद नंबर सीधा नहीं बताया, छंद नंबर ऐसा वास्तु वासु पूज्य का पांचवा छंद ऐसा है। फिर आगे बढ़ते चलिए, और एक छंद देखिए, नेक्स्ट छंद, ये भी स्वयं स्तोत्र का है, सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करने बैठे, तीसरा छंद लिख रहे हैं। ये आपको वैसे एक दो साल में सिलेबस में ही आएगा, ये जब आप क्रमबद्ध पर्य पढ़ोगे ना, ये सब छंद आएंगे आपको, पढ़ाए जाएंगे, पुस्तक है ना क्रमबद्ध पर्य, उसमें आएगा। अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम्, अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम्, हेतु द्वया विष्कृत कार्यलिंगा, हेतु द्वया विष्कृत कार्यलिंगा, अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थो, संघत्य कार्येष्विति, संघत्य कार्ये कार्येष्विति साध्ववादी। इसका अर्थ मुझे चाहिए, मैं एक बार छंद पढ़ता हूं। अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम्, हेतु द्वया विष्कृत कार्यलिंगा, अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थ, संघत्य कार्येष्विति साध्ववादी। बताने का प्रयास करो, और महत्वपूर्ण शब्द इसका छाट कर दिखाओ कोई भी। बोलो हेतु द्वया, महत्वपूर्ण शब्द हेतु द्वया, दो हेतु है, दो कारण है एक कार्य के होने में, ठीक है। हेतु द्वया विष्कृत कार्यलिंग, विष्कृत पैदा होने में, उत्पन्न होने में, कार्यलिंगा कार्य के पैदा होने में दो हेतु की आवश्यकता होती है, और कार्य का लिंग चिन्ह ज्ञापक क्या है? कह रहे भवितव्यता। भवितव्यता की चर्चा तीन दिन में आएगी, तीन दिन में आएगी भवितव्यता की चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी तो क्या कहना है, उसका चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है कार्य का? भवितव्यता। और कैसे भवितव्यता? अलंघ्य शक्ति, जिसका उल्लंघन करना किसी के बस की बात नहीं है, अनबीटेबल, अनअवॉइडेबल, अनफॉर्मिडेबल, इनफॉर्मिडेबल क्या कहते हैं? अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम्, हेतु द्वया विष्कृत कार्यलिंगा, अनीश्वरो जंतुरहम क्रियार्थ, जंतुरहम क्रियार्थ, जंतु जीव आदमी मनुष्य, अहम क्रियार्थ मैं करता हूं, मैं करता हूं, ऐसे अहंकार से पीड़ित होता हुआ जीव
अनिश्वर हो, असमर्थ है, क्योंकि संगत्य कार्येषु कार्य के होने में, सुख दुख रूप कार्य के होने में संगत्य समग्र वस्तुओं का, समग्र ऊपर जो कहा ना हेतु द्वय, सभी वस्तुओं का जोड़ चाहिए। इति साधु अवादी, ऐसा आपने ठीक ही कहा है, साधु ठीक ही, अवादी कहा है, अवादी कहा है। भगवान की स्तुति चल रही है ना, आप कल्पना कर सकते हैं भगवान की स्तुतियां ऐसी करी है सब, भगवान की स्तुतियां ऐसी चल रही है, भगवान का नाम ही नहीं ले रहे और कह रहे हैं भगवान धन्य है आपकी, आपने एक कार्य के होने में दो कारण बताए, जय जयनाथ परम गुरु चढ़वार, भगवान की कोई बात ही नहीं, अरे भगवान होने की बात चल रही है, ये स्तुतियां है, ये स्तोत्र है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इसको पढ़ना सीखो, थोड़ा सा भक्तंबर में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, भक्तंबर में तो बहुत ही ऐसी बातें मिलेगी, शेर का भय भय भग जाएगा और सांप भग जाएगा और भूत भग जाएगा और सब सब भगाने की बातें करिए इन्होंने, समझ में आया। देखो ये दो छंदों के माध्यम से क्या सिद्ध हुआ बताएं भाई, दो कारण होते हैं। अभी हम उपादान की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं, अभी उपादान की चर्चा चलेगी। ये प्रश्न क्या है शंकाकार का, थोड़ा सा देखे अभी विचार करें। शंकाकार ने शंका पूछी, किसकी शंका के उत्तर में हम उपादान कारण अभी देखेंगे। देखो पहले तो हम बोलते ही आए हैं, पहले प्रारंभ के तीन चार पीरियड्स मैंने उपादान के पूरे लिए थे वैसे, लेकिन वो उपादान का स्वरूप बताया था, भेद प्रभेद नहीं बताया अभी। शंकाकार की शंका है, आपने कहा यदि कुम्हार घड़े का करता हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, तो हमारा भी एक प्रश्न है माय लॉर्ड, बोलिए। ये आप इसका प्रॉपर, मैं एक दिन कराने भी वाला हूं, अभी उसको टाइम है थोड़ा सा, 6-7 दिन के बाद मैं विचार करूंगा। फिर बाद में निमित्त उपादान के दोहे भी आपने को पढ़ने हैं, एक नाटक आपको इस साल करना है। आप तैयार है नाटक करने में, मंच पर पब्लिक के सामने? और आपको मुझे, वैसे मैं तो बहुत ही व्यस्त रहता हूँ, मुझे इतना दुख होता है, ये तुषार मेरे पास 2-4 बार आकर गया, मुझे इसमें इसमें सहयोग करो वो सहयोग करो, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, आपको कैसे बताऊँ। ये मेरे को बहुत रीडिंग करना पड़ता है भैया आपके पीछे, मुझे ऐसे थोड़े नहीं ये सब, मुझे सब कोई पता, मुझे कितने ग्रंथ रिफर करने पड़ते हैं मुझे पता है, और उसको रोजाना मैं स्वाध्याय करके आना पड़ता है मुझे, एक एक वस्तु का नया नया पर मैं फिर ये लेवे क्या, ये पुटअप करे क्या, अब मेरे देखेगा अब चकरा जाओगे मेरी टेबल पर देखकर, ऐसी जिनवानी हिसाब नहीं लगेगा आपको कहाँ पर क्या फंसी बैठी है। मतलब क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रॉपरली कोई बात आपको मिले, मेरे पास सचमुच समय नहीं होता है। देखो मुझे तो क्या कहना है वैसे, शंका, हाँ एक शंका उत्पन्न हो सकती है शंकाकार को, हाँ मुझे तो नाटक कराऊंगा मैं बाद में, ये कहना है आपको करना है, और जरूर कम से कम उस समय में उस मामले में मैं आपको हेल्प करूंगा, और आप अच्छे से नोट करते जाए पॉइंट, तो इसके बल पर नाटक खड़ा होगा। अब वो कह रहा है यदि निमित्त कुमार जब तक नहीं था तब तक घड़ा क्यों नहीं हुआ, उसका क्या कहना है अभी। हम ये कह रहे हैं कुमार घड़े का कर्ता नहीं है, कुमार यदि घड़े का कर्ता होता तो जहां जहां कुमार वहां वहां घड़ा दिखाओ, जहां जहां घड़ा वहां वहां कुमार दिखाओ, जहां जहां घड़ा वहां वहां तो कुमार दिखा सकेंगे, लेकिन जहां जहां कुमार वहां वहां घड़ा दिखाओ, और जहां घड़ा नहीं वहां कुमार नहीं ऐसा भी दिखाओ। नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है, सोते हुए कुमार के अगल बगल में भी वो घड़े दिखने चाहिए, ये लॉजिक नहीं बैठता। इसलिए कल हमने कहा था वो एक समय का योग और उपयोग वही कुमार है एक्चुअली, वो घूमने वाला और बीड़ी पीने वाला वो कुमार नहीं है, खाने वाला कुमार नहीं हो सकता वो, आप समझ रहे। तो उलट उसने प्रश्न एक पूछा, क्यों साहब उपादान तो कारण है ना, और नहीं तो क्या, तो फिर उपादान भी सदाकाल हाजिर रहता है, फिर मिट्टी सदाकाल हाजिर है खदान में, तो उसका भी निरंतर घड़ा होना चाहिए, ये कुमार आए बिना घड़ा क्यों नहीं हुआ, यही प्रश्न है था क्या आपका, यही था क्या, हा या ना, ऐसा कुछ नहीं, फिर और देखेंगे आगे, नहीं अभी 4-5 दिन में पूरा कवर करना है मुझे। कुमार को
कुमार की खटिया खड़ी कर देंगे आप, चिंता मत करो तुम। अभी उसने क्या प्रश्न किया निमित्त वाले ने, चलो फिर आप जहां जहां मिट्टी है वहां वहां पर आप दिखाओ घड़े। फिर इससे तो हमको यही मालूम पड़ता है कुमार आया और घड़ा हुआ, ऐसे क्यों हुआ? या तो दोनों को मानो ना, वैसे तो हमें रोल एक्टिव तो कुमार का ही दिख रहा है। तो आचार्य देव ने देखो कैसे बात करे, देखो बाबा तुम्हें समझते नहीं हो, उपादान दो प्रकार के है, उपादान भी दो प्रकार, एक त्रिकाल उपादान एक क्षणिक उपादान। वस्तु के दो अंश करना सामान्य और विशेष, क्या अंश करना? सामान्य और विशेष। और उपादान कारण मतलब सामान्य अकेला कारण है ऐसा भी नहीं, विशेष अकेला कारण है ऐसा भी नहीं, सामान्य भी कारण है विशेष भी कारण है। ये उपादान कारण के दो भेद हो गए, सामान्य मतलब द्रव्य, द्रव्यगत स्वभाव, और पर्याय की विशेष कारण कहेंगे तो पर्याय कारण है, द्रव्य भी कारण पर्याय भी कारण, त्रिकाल उपादान कारण कहेंगे। स्वभाव को क्या कहेंगे? त्रिकाल उपादान कारण। और पर्याय वाले को क्या कहेंगे? क्षणिक उपादान कारण। ये दो कारणों को समझो पहले तो तुम्हारे समस्या हल हो जाएगी। कह रहे इसका मतलब मिट्टी के अलावा और भी कुछ है तब जाकर वो घड़ा बनेगा। वो क्षणिक उपादान कारण क्या अभी देखना है, उससे पहले आइए आज हार्दिक जी ने जो छंद लिखा है उसको एक बार पढ़ ले। नहीं तो हार्दिक बोलेगा रोजा नाम लिखते लिखते परेशान हो गया, हमारा नाम तक कभी नहीं लिया जा रहा है, क्या हो रहा है। चलो ठीक है, नहीं तो तुम ही लिखा करो यहाँ पर बाय हार्दिक। चलो ठीक है, देखो अपन छंद पढ़ते हैं। अभी आपको दिख रहा है ये छंद, देखिए ये अनुष्टुप छंद है। त्यक्ता त्यक्तात्म रूपम यत् पूर्वा पूर्वेण वर्तते कालत्रयेपि तद्द्रव्य मुपादानमिति स्मृतम्। इस छंद का अर्थ कोई बताएगा? ये श्लोक वार्तिक का नहीं, अष्ट सहस्त्री का 58वां श्लोक है। अष्ट सहस्त्री 58वां श्लोक। त्यक्ता त्यक्तात्म रूपम यत् पूर्वा पूर्वेण वर्तते कालत्रयेपि तद्द्रव्य मुपादानमिति स्मृतम्। इसमें से वो बात कहाँ फलित हो रही है? इसी में से वो बात फलित हो रही है। कौन सी बात फलित हो रही है? कि उपादान में भी दो भेद है, एक त्रिकाल उपादान कारण और एक। चलो इसमें से तो कुछ बात ही नहीं आ रही है, कैसे आ रही है मैं बता रहा हूं। देखिए त्यक्ता त्यक्तात्म रूपम यत् वस्तु होती है वह अपने स्वरूप का त्याग करती भी है और त्याग नहीं भी करती है। त्यक्त अत्यक्त, त्यक्त विशेषांश, अत्यक्त सामान्यांश, पकड़ने का प्रयास करो सब। त्यक्त त्यक्ता त्यक्तात्म रूपम यत् पूर्वा पूर्वेण वर्तते, और वस्तु कैसी वर्तती है? पूर्व वस्तु से अपूर्व वस्तु वर्तती है। क्या बोला? पूर्वा पूर्वेण वर्तते, पूर्व वस्तु से अपूर्व वस्तु वर्तती है, मतलब वो वस्तु आगे बढ़ जाती है, जो अपूर्व जो अभी तक पर्य नहीं हुई थी वो पर्य हो जाती है, मतलब परिणमन है वस्तु, ऐसा कहना चाहते, वही वस्तु परिणमन करती है। क्या बोला? अभी खूब चलेगा, इतना ठोस तत्व ज्ञान चलेगा दो तीन दिन में। देखो मैं जो कह रहा हूं वो सत्य की झूठ आपको बोलना है। स्वभाव नित्य है, पर्याय अनित्य है। बोलिए कोई। ध्रुव नित्य है, पर्याय अनित्य है, सही है? देखो मैं अभी बता रहा हूं, प्रॉपर भाषा यह है जिनागम की, वस्तु नित्य है और वस्तु अनित्य है। वस्तु ही नित्य है और वस्तु ही अनित्य है। हम जो कहते हैं ना पर्याय नित्य, पर्याय नित्य, वस्तु तो जहां की तहां रहती है। अरे भाई वो एकदम सरलीकरण वाली भाषा है ये। पर्यार्थिक ने से द्रव्य को देखा तो पर्याय दिखी, तो हम ये बोलते हैं पर्याय नश्वर है, लेकिन खरेखर पूर्ण द्रव्य नश्वर है पर्यार्थिक ने से देखो तो।
और द्रव्यार्थिक ने इसे देखो तो पूरा द्रव्य ही अविनश्वर है, नित्य है। तो द्रव्य नित्य है क्या? नित्य है क्यों? द्रव्य नित्य है कि पर्याय नित्य है? सच बोलना, द्रव्य नित्य है कि पर्याय नित्य है? यहाँ पर द्रव्य मतलब होल द्रव्य की बात करो, ध्रुव नहीं। ध्रुव तो किसी रूप से परिणामी नहीं है, ओके। अरे द्रव्य ही नित्य है, द्रव्य नित्य मतलब उसी द्रव्य का व्यय होता है, उसी द्रव्य का उत्पाद होता है। क्या बोल रहे? उसी द्रव्य का नाश और उसी द्रव्य का उत्पाद। नाश होकर उत्पाद कैसे होगा? हाँ, एक द्रव्य का नाश और उसी द्रव्य का उत्पाद। ये कितनी कठिन भाषा लग रही है अभी, लग रही ना? एक पर्य का व्यय दूसरे पर्य का उत्पाद, ये तो सरल भाषा लगती है। लेकिन मैं अभी क्या बोल रहा हूं? एक द्रव्य का नाश और दूसरे द्रव्य का नहीं, उसी द्रव्य का। अब दूसरा द्रव्य भी बोल सकता हूं मैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन द्रव्य का नाश और उसी द्रव्य का उत्पाद। फिर अब अटपटी भाषा लगती है, द्रव्य का नाश, द्रव्य पर्याय बोला ना। द्रव्य ही नित्यानित्यात्मक है, घबराओ मत। जो द्रव्य नित्य है वही द्रव्य अनित्य है। द्रव्य होल द्रव्य नित्य भी है, होल द्रव्य अनित्य भी है। दृष्टि से देखो अच्छे से, त्यक्ता त्यक्तात्म रूपम यत् पूर्वा पूर्वेण वर्तते। निरंतर वर्तन कर रहा है। वर्त वर्त मतलब घूमना। मैंने किसको बताया था इतना? किसी को मैंने खूब समझा तो वर्त का अर्थ, अच्छा दूसरे बैच को आपको बताता हूं। वर्त मतलब घूमना, आपको बताया शायद। आवर्त, इसको आवर्त कहते। वर्त मतलब घूमना। वर्तुल, आपको वर्तुल का भी उदाहरण दिया था। वर्तुल नहीं दिया, व्हाट इज वर्तुल यू नो? सर्कल को वर्तुल कहते हैं, नहीं सुना आपने कभी? मराठी में सर्कल को एक वर्ड है, वर्तुल, वर्तुलाकार, सर्कल, सर्कुलर। घूमना, वर्तना मतलब घूमना, चलना है क्या? और वर्तमान काल ऐसा बोलते ना, तो वो भी घूमता हुआ, घूमता हुआ, समझते हैं? देखो क्या कहना है मुझे, वर्तते घूमना, प्रत्येक द्रव्य घूम रहा है। कालत्रयपि तद्द्रव्यम्, कालत्रयपि तद्द्रव्य। अभी म इस तरफ खींच लेंगे तो उपादान उस तरफ रह जाएगा। वस्तु कालत्रयपि है, तीनों काल में भी वस्तु हजरा हुजूर है। तद्द्रव्यम् उपादानमिति स्मृतम्, और उसको उपादान बताया गया है। त्रैकालिक वस्तु को उपादान बताया गया है, लेकिन त्रैकालिक वस्तु के दो अंश बता रहे, त्यक्त और अत्यक्त। तो उपादान के दो भेद पड़ गए, त्रिकाल उपादान कारण, क्षणिक उपादान कारण। कितने जन बात को पकड़ रहे? आज का बहुत इंपॉर्टेंट ये छंचला, ये भूमिका बन गई, तभी तो कल अभी खुलासा हो पाएगा त्रिकाल उपादान कारण का। मुझे ये भाव बना है, तीन दिन इसका खुलासा चलेगा, त्रिकाल उपादान कारण का एक दिन, फिर क्षणिक उपादान कारण नंबर एक, फिर क्षणिक उपादान कारण नंबर दो। कभी पढ़ा है आप लोगों ने ये? नहीं पढ़ा है, घबराओ मत, सब एक एक घंटा चलाऊंगा तीनों। फिर तीन दिन के बाद पांच समवाय का विचार बना है, फिर षटकारक का बना है, चलेगा ये सब, ठीक है, देखेंगे कल। ओम नमः।